नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। जिस ट्विटर के सीईओ ने खुद ये बयान दिया था कि उनकी विचारधारा वामपंथी है, अब उस ट्विटर की मनमानी दुनिया भर में बेनकाब हो रही है। नाइजीरिया में बैन हुआ, फिर भारत के कानून को मानने से साफ इनकार किया, और अब इजराइल के प्रधानमंत्री ने ट्विटर को राष्ट्रवादी विचारों का विरोधी करार दिया है। क्या है ये पूरा मामला, जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। पहले भारत, फिर नाइजीरिया और अब इजराइल। ट्विटर के मनमानी से अब हर देश परेशान होता जा रहा है। भारत में ट्विटर के पूरे विवाद ने तब से तूल पकड़ा जब से भारत में विपक्ष की ओर से टूलकिट मामले का गलत इस्तेमाल किया गया, और अब इजराइल में भी जब सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा है। उस समय में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्विटर और फेसबुक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि सोशल मीडिया के ये दोनों प्लेटफॉर्म्स राष्ट्रवादी विचारों के विरोधी हैं और देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। आपको बता दें कि जिस ट्विटर को आईटी नियमों के चलते भारत ने फटकार लगाई, अब उसी ट्विटर को इजराइल ने भी लताड़ लगाई है। दरअसल इजराइल में आजकल अंदरूनी सियासी उठापटक चल रही है। ऐसे में फेसबुक और ट्विटर पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो राष्ट्रवादी विचारों का विरोध कर रहे हैं और अपने हिसाब से सत्ता को घुमाना चाहते हैं। नेतन्याहू ने अपनी लिकुद पार्टी के विधायकों की टिप्पणियों के जवाब में कहा कि इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने एक दक्षिणपंथी पोस्ट को हटा दिया था जिसमें एक विधायक का पता शामिल था, जहां विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसके खिलाफ नेतन्याहू ने कहा कि एक वामपंथी पोस्ट जिसमें एक ही पता सूचीबद्ध है, लेकिन प्रदर्शनकारियों से सांसदों का समर्थन करने का आह्वान किया गया था, को नहीं हटाया गया था। ये एक वैज्ञानिक मामला है, बस वैज्ञानिक, नैदानिक, जो दक्षिणपंथी को बंद करने का प्रयास साबित करता है। पीएम की टिप्पणी उनके बेटे यायर नेतन्याहू के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिए जाने के बाद आई है, जब उन्होंने यामिका एम के नीर और बाग के घर के बाहर विरोध का आह्वान करते हुए एक पोस्ट साझा किया था। पोस्ट की एक श्रृंखला में दक्षिणपंथी पार्टी ने इस कदम को राइट की राजनीतिक सेंसरशिप का सिलेबस का मामला कहा। इसने ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से दोहरे मापदंड को रोकने और सभी के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति देने का आह्वान किया। जिस समय इजराइल में सत्ता को लेकर विपक्ष ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, उसी समय में ट्विटर, जिसे भारत हमेशा से उपद्रवियों और विपक्ष का हथियार कहता आया है, अब उसने इजराइल में भी अपनी वामपंथी विचारधारा फैलानी शुरू कर दी है, जिसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने ट्विटर के साथ साथ फेसबुक पर भी दोहरे मापदंड को रोकने का आरोप लगाया है। भारत में आईटी नियमों के उल्लंघन के बाद मुंह की खाने के बाद ट्विटर ने इजराइल में भी वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, जिसके बाद अब ट्विटर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निशाने पर आ गया है। अभी के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।